A very pleasant good afternoon to one and all. I, Pankaj Chandani, welcome you all on the behalf of Glasgow branch of CIRC of ICI to this webinar, as this is for the first time the Glasgow branch along with Raipur and Bhilai branch of CIRC of ICI has conducted a webinar using the electronic platform, which has brought all of us together to for a great learning. I hope all of us will make this webinar a remarkable one. Now, I would like to invite Manmohan Ram Chandani, Vice Chairman, Vikas Ablakku Grant of CIRC of ICI, to say a few words. Manmohan, over to you. Thank you, Pankaj, for inviting me. I would like to welcome CA Sachin Jain sir, CA Sanjay sir, and CA Kapil sir. Sir, thank you so much for your valuable time. And thank you for making this session interactive. I hope this session will be more productive as we thought. And without wasting the time, I would like to continue the turn it to Kapil sir to start the seminar. Pankaj, over to you. Now, I would like to invite CA Sachin Jain sir, Chairman, Glasgow branch of CIRC of ICI, to say a few words. Sir, over to you. Thank you, Pankaj. जैसा कि सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हमारी तीन ब्रांचेस हैं, पहली रायपुर, फिर भिलाई और बिलासपुर, और हमारा बहुत लंबा इतिहास है, पुराना इतिहास है कि हम सभी ने सारे काम मिलके किए हैं। उसी कड़ी में ये भी एक सेमिनार बच्चों के लिए किया है और हम लोगों ने ये सोच के इस वेबिनार को हमने कॉल किया कि अभी हम सीए स्टूडेंट्स के लिए हमारे अगर कोई सॉफ्टवेयर या कोई एक्टिविटी अगर सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो वो टैली होती है और दूसरा है हमारे लिए एक्सेल। अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और टैली को समझ लिया, सीख लिया, तो शायद हमारी वर्किंग का मोर देन 90% पार्ट यहाँ कंक्लूड हो जाता है। बाकी फिर हमारे कैलकुलेशन, एनालिसिस और बाकी चीज़ें रहती हैं। तो मेरी संजय भैया से, अमिताभ भैया से बात हुई थी, उन्होंने इस काम के लिए सहमति दी और हम लोगों ने इस कार्यक्रम को बढ़ाया। और वो ये करते हैं कि ये दो दिन का हमारा वेबिनार है जिसमें हमारे आदरणीय कपिल सर एक्सेल की क्लासेस हमारी लेंगे और हम सभी उम्मीद करते हैं कि ये क्लासेस बहुत प्रोडक्टिव रहें, यूजफुल रहें सभी के लिए। इससे हमारी आगे की वर्किंग आसान हो। जैसे अभी सभी बैंकिंग में बैंक ऑडिट के काम अभी कुछ बैंकों के चल रहे हैं, उसमें एक्सेल की शीट हमारी बहुत काम आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों सेशन आज के और कल के प्रोडक्टिव रहेंगे, हम सभी इसका मैक्सिमम फायदा उठाएंगे। थैंक यू सर। ओवर टू पंकज। नाउ आई वुड लाइक सीए संजय खंडेलवाल सर, सिकासा चेयरमैन भिलाई ब्रांच ऑफ सीआईआरसी ऑफ आईसीआई, टू से अ फ्यू वर्ड्स। ओवर टू यू सर। मायसेल्फ संजय खांडवे। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू सर? यस सर। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा और सबने टीम मेंबर्स को बधाई देना चाहूंगा कि प्रेजेंट कोरोना एपिडेमिक का जो माहौल चल रहा है, उन्होंने इस पर्टिकुलर एपिडेमिक को अचीवमेंट के रूप में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। तो डेफिनेटली हम सभी तीनों ब्रांचेस के बीच में ये बहुत बड़ी बात है कि हम आपस में साथ में मिलकर इस एपिडेमिक को अचीवमेंट के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। और ये जो एपिडेमिक में कन्वर्शन जो है वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के फॉर्म में आ रहा है, जो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी तक हम रूटीन फॉर्म में ही आगे बढ़ते चले आ रहे थे। टैली वही वर्जन यूज़ कर रहे थे, जो एक्सेल है वही यूज़ करते जा रहे थे। और अकेले हमने कपिल सर को अपने बीच में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए आया अपना आ रहे बीच में, तो डेफिनेटली वी विल अचीव बहुत कुछ करेंगे। एक्सेल के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि हम इस समंदर में जितना नीचे उतरते चले जाते हैं, जो उतना ही गहरा होता चलता, जितना इसके बारे में सीखते हैं ऐसा लगता है अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है, खोजना बाकी, जितना ज्यादा आप यूज कर सकते करते ही चले जाते हैं। तो मैं इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं ये कहूंगा कि टीम में आप आगे बढ़ाएं और कैरियर को कैरी ऑन करें। ओके, थैंक यू बॉस। थैंक यू सर फॉर द काइंड वर्ड्स। नाउ आई वुड लाइक टू यू ऑल टू इंट्रोड्यूस टू आवर स्पीकर फॉर द सेशन, सीए कपिल सर। सर हैज बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द ईयर 2011। ही हैज बीन अ ट्रेनर इन for Microsoft Excel in Nerolac Paints Limited for 5 years now. He is now a practicing chartered accountant in Bilaspur, and sir also conducts classes in our ITT and advanced ITT batch at Bilaspur branch of CIRC of ICI. Sir is very extremely deep and tremendous knowledge. Sir has a very extreme and tremendous knowledge in the Microsoft field. And now I would like Kapil sir to continue with the session.
सबसे पहले मैं बिलासपुर ब्रांच सिकासा चेयरमैन, भिलाई ब्रांच सिकासा चेयरमैन और रायपुर ब्रांच सिकासा चेयरमैन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिए हैं, जिससे ये कोविड का टाइम को अपन बेस्ट यूटिलाइज कर सके। जैसे संजय सर ने बताया अभी कि कोविड एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए आ रहा है, सीए ऑफिस में मैक्सिमम टेक्नोलॉजी हम लेटेस्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है जिससे हम नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, अपना काम और अच्छे से और जल्दी और एफिशिएंटली कर सकें। तो दोनों तीनों ब्रांच को धन्यवाद देते हुए मैं आज का प्रोग्राम शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं एक कन्फर्मेशन पूछना चाहता हूँ कि मेरा स्क्रीन और मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं, एवरीवन को यदि बताए कि मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, एक्सेल स्क्रीन भी क्लियर है। बिल्कुल जी सर, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक्सेल, हम बहुत सालों से जब से इस प्रोफेशन में हैं तब से एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जो आप जितना भी यूज़ करो उतना कम है। मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, मैं 10-12 साल से एक एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, कि एक्सेल का फीचर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% फीचर किसी को पता हो। कोई यदि ऐसा बोले कि मेरे को सब कुछ पता है तो वो बहुत डिफिकल्ट है, इवन माइक्रोसॉफ्ट के कोडर्स भी पूरा 100% नॉलेज। तो इसमें आप जितना उतरेंगे उतना नया सीखेंगे और उतना नया सीख के आप काम अपना उतना एफिशिएंटली कर सकेंगे। आज का अपना टॉपिक का एजेंडा बेसिकली 2 या 3 जो फंक्शंस हैं, अभी जैसे कि वेबिनार्स बहुत चल रहे हैं, हम देखते हैं बहुत सारे वेबिनार्स आए, तो आज के वेबिनार को मैं एक थोड़ा डिफरेंट मोड में ले जाना चाहूँगा कि खाली सुनने के अलावा हम चाहेंगे कि आप लोग यदि आपके पास लैपटॉप या फिर स्क्रीन है तो आप साथ साथ में करते जाएं, ताकि यदि कुछ इमीडिएट डाउट आता है तो सॉल्व हो जाए। जनरली वेबिनार्स में क्या होता है कि हम सुनते हैं और उसको फिर बाद में ट्रायल करते हैं, उसमें कुछ डाउट आते हैं तो वो क्लियर नहीं हो पाते। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना सब स्क्रीन ओपन कर लें, मैं जो बताते जाऊँगा वो आप करते जाएं साथ साथ में मेरे साथ में, जिससे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज हैंड्स ऑन आप ट्रेनिंग हो जाएगी। इसके लिए आपको अलग से बैठने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना एक्सेल स्क्रीन ले लें और साथ में जो मैं बता रहा हूँ उसमें साथ साथ में करते जाएं। तो एवरीवन रेडी? सब एक बार बताएंगे, रेडी हैं सब लोग? सबके पास एक्सेल स्क्रीन ओपन है अपनी? सिद्धार्थ, ऑडिबल, आप रेडी हैं? पंकज, यस, तो सब रेडी हैं अपनी एक्सेल स्क्रीन के साथ? ठीक है, मैं भी अपनी स्क्रीन के साथ रेडी हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही होगी आपको, मेरे पास एक्सेल 2016 वर्जन है, ये 19 अभी वर्जन आने वाला है एक्सेल का, लेटेस्ट अवेलेबल है। मैक्सिमम मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ 2007 यूज हो रहा है बहुत सारे ऑफिसर्स में, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको अपग्रेड करिए, क्योंकि एक्सेल 7, 13, 16 में जो फीचर्स हैं बहुत ज्यादा अच्छे फीचर्स हैं, जो अपने को जो मुश्किल होती थी 7 में उसको बहुत हद तक वो लोगों ने मिटिगेट किया है, बहुत इम्प्रोवाइज किया। तो सबसे पहला ये रिक्वेस्ट है मेरे सबसे कि अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करें 2007 से 13, 16 और 19, जो भी आप पैकेज में जाना चाहें जाएं, क्योंकि वो उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको यूज आएंगे। तो एक बेसिक सा चालू करता हूँ, मेरे पास ये जो आपको टैब दिख रही है, ये इसे हम कहते हैं रिबन्स, दिस इज कॉल्ड रिबन्स। ये पूरा होम टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये मेरा है रिबन्स। दिस इज मेरा वर्क एरिया, ये जो आपको सेल्स दिख रही है ये मेरा वर्क एरिया है, इसमें सभी सेल्स के नाम है, यहाँ से शीट आती है। तो ये मेरा वर्क एक्सेल का, सबसे पहले एक्सेल सीखने से पहले सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि एक्सेल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये ऑब्जेक्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेल ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे यदि आपको दिख रहा है E3 का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे Sheet 1 दिख रहा है, तो Sheet 1 क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये एक फाइल है, बुक नेम है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक्सेल हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में काम होता है। डेटा इधर आपके सेल्स में सेव होगा, शीट में सेव होगा या फिर आपके फाइल में सेव होगा। तो एक्सेल का बेस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सभी ऑब्जेक्ट है। अब इसका कुछ फंडामेंटल्स और बता देता हूं रेफरेंसिंग का। सिंपल सा, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5, ये मैंने यहां पे लिखा, इसको मैंने सम किया, करेक्ट है, तो यहाँ पे मेरा 15 सम आ गया। अब एक बेसिक सा फंडा है जो हमें को हमेशा एक्सेल में काम आएगा, यदि मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो 0 आता है। तो ये 0 क्यों आता है, क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस में काम कर रहा है। रिलेटिव रेफरेंस, दो रेफरेंसिंग होती है एक्सेल में, रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या करता है, आपका सेल रेफरेंस को चेंज करता है। अभी यहां से A1 से A5 को सम किया हुआ था,
जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके यहां पे ले आया तो वे B1 से B5 हो गए। क्यों हो गया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट कॉपी पेस्ट हमेशा क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस होता है। यदि मैं इसको कट करके यदि यहां पे पेस्ट करूंगा तो यहां पे 15 रहेगा, और मैं इसको F2 में देखूंगा तो अभी भी रेफरेंस चेंज नहीं हुआ है। तो उसका कारण क्या है? ये एब्सोल्यूट रेफरेंस है। तो जब भी हम डेटाबेस में काम करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो दो चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि वो एब्सोल्यूट रेफरेंस में है कि रिलेटिव रेफरेंस में। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है, उसका रेफरेंस चेंज हो जाता है। यहां से A1 से लेके B1 हो गया, यहां A1 से ये B1 हो गया। यदि उसको मैं कट करता हूं तो उसका रेफरेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो दो रेफरेंसेस होते हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट रेफरेंस में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे हम VLOOKUP करते हैं या फिर दूसरे फॉर्मूला यूज करते हैं जहां पे हमको रेफरेंसिंग फिक्स करनी रहती है, तो वो कैसे किया जा सकता है? उसके लिए हम डॉलर लगाते हैं। यदि A1 को मेरे को फ्रीज करना है तो A1 के आजू बाजू में क्या करूंगा, डॉलर लगाऊंगा। डॉलर लगाने से क्या होगा, मेरा ये फ्रीज हो जाएगा। अब मैं इसको यदि कॉपी करके यहां पेस्ट करूंगा तो मेरा रेफरेंस चेंज नहीं हुआ। कॉपी पेस्ट में भी रेफरेंस चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ चेंज? क्योंकि मैंने वहां पे डॉलर लगाया है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव रेफरेंस को एब्सोल्यूट में करने के लिए क्या करते हैं, डॉलर लगाते हैं। और डॉलर कहां पे लगाते हैं, जिसको आपको फिक्स करना रहता है। मेरे को यहाँ पे A को भी फिक्स करना था, 1 को भी फिक्स करना था, तो मैंने दोनों के सामने डॉलर लगा दिया। यहाँ पे मेरे को A को भी फिक्स करना था, 5 को भी फिक्स करना था, तो दोनों के सामने डॉलर लगा दिया। VLOOKUP फॉर्मूला हम बहुत जनरली यूज करते हैं, वहां पे डॉलर का इंपॉर्टेंस सबको पता होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आई थिंक सबको क्लियर होगा कि एब्सोल्यूट को रिलेटिव में कैसे कन्वर्ट करना है डॉलर लगा के। अब हम एक छोटा सा सैंपल डेटा बनाते हैं। सैंपल डेटा बनाते बनाते ही आप लोगों को बहुत सारी चीजें, उसमें ही मैं आपको एक फंक्शंस फीचर साथ साथ में लाइव ट्रेन करके बताते जाऊंगा। तो सबसे पहले अपने को बनाना है एक सेल्स रजिस्टर। तो सेल्स रजिस्टर का क्या क्या फील्ड हो सकता है, तो सबसे पहले हो सकता है इनवॉइस नंबर, करेक्ट। उसके बाद क्या हो सकता है, इनवॉइस डेट, पार्टी GSTN, टैक्सेबल वैल्यू और यहां पे आएगा टैक्स रेट। और यहां पे आएगा टैक्स। जैसा कि देख रहे हैं एक सैंपल डेटा बनाना है अपने को। अभी इनवॉइस नंबर का मेरे को सीरीज बनाना है। इनवॉइस कैसा होगा, सीरीज में होगा 1, 2, 3, 4। तो मेरे को यदि नॉर्मल सीरीज बनानी है तो मैं क्या करता हूं, 1 करता हूं यहां पे, प्लस ऊपर वाला प्लस 1। इसको करने से मेरा यहां 2 आ जाता है। और ये फॉर्मूला को मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देता हूं तो मेरा ये सीरीज बन जाता है। तो आप लोग देखिए एग्जांपल क्या है, सीरीज कैसे बनाना है। नॉर्मल सीरीज बनाने के लिए आप क्या लिखेंगे, 1 लिखा, 2 लिखा, उसमें क्या फॉर्मूला दिया मैंने, ऊपर वाला प्लस 1, तो उससे मेरी, और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये मेरी नॉर्मल सीरीज बन गई। एक और तरीका क्या हो सकता है सीरीज बनाने का, यहां से ये आपको एक छोटा डॉट दिख रहा है, ये डॉट को आप यदि ड्रैग करेंगे तो उससे भी सीरीज बन जाएगी। ये तो अब नॉर्मल सीरीज होगी। जनरली इनवॉइस नंबर यदि हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 नहीं होते। इनवॉइस नंबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल KS20-21-0। अब इसकी मेरे को सीरीज बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा, इसमें तो नॉर्मल मैं प्लस का फॉर्मूला नहीं लगा सकता, दिस प्लस 1 ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, तो यहां पे मेरे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहां पे एक नया कॉलम इंसर्ट करूंगा, ये हुआ, और यहां मैंने लिखा 1, और यहां पे मैं 1+1 करके ये इसको मैंने यहां तक 10 तक ड्रैग कर लिया, और इसको मैंने एज इट इज यहां पे कॉपी कर दिया। अभी इसको सीरीज बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को कॉन्कनेट करना पड़ेगा। कॉन्कनेट के लिए दो तरीके होते हैं, दिस एंड दिस।
तो ये आपका ये सीरीज बन जाएगी, ये आपकी सीरीज बन गई। इस तरह का आप सीरीज बना सकते हैं ऐसी, ठीक है। अभी एक और तरीका हो सकता है कॉन्कनेट लगाने का, क्या हो सकता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, कॉन्कनेट दिस कॉमा दिस, और ये फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा यहां पे ड्रैग डाउन कर दूंगा तो भी मेरी सीरीज बन जाती है। तो देखिए कॉन्कनेट दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो ऐड करके किया जा सकता है और दूसरा तरीका है कि कॉन्कनेट का फॉर्मूला लगा के एंड करके और कॉन्कनेट का फॉर्मूला लगा के इस तरीके से। यदि इसमें मुझे सपोज बीच में स्पेस देना है तो स्पेस कैसे दे सकता हूं मैं, दिस एंड, उसके बाद एक एक्सेल का थंब रूल है। एक्सेल का थंब रूल क्या बोलता है, कभी भी आपको कोई टेक्स्ट फंक्शन देना है, टेक्स्ट में स्ट्रिंग में कुछ यदि कमांड देनी है तो उसको हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तो यहां पे डबल इन्वर्टेड कॉमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड दिस, ये आप देखिए यहां पे स्पेस आ गया, ये यहां पे क्या आ गया स्पेस आ गया। अब इसको मैं क्या करूंगा यहां पे पेस्ट स्पेशल कर सकता हूं। तो इसका अलग अलग तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एक सैंपल के लिए मैंने ये बनाई है, अभी मैं यहां से स्पेस को हटा देता हूं, अभी एक और आपको मैं थंब रूल बनाता हूं एक्सेल के लिए। यदि मैं इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट करूंगा तो यहां पे एरर आ जाएगा। ये एरर क्यों आ गया, क्योंकि ये जो इसका रिजल्ट था ये दोनों पे डिपेंडिंग था। तो यहां पे मेरे को सिंपल पेस्ट ना करके इसको क्या करना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा। तो एक थंब रूल है, जब भी आप कोई टेम्पररी फॉर्मूलाज बनाते हैं, कोई टेम्पररी वर्कआउट करते हैं या टेम्पररी कैलकुलेशन करते हैं, तो ऑलवेज एडवाइजेबल है कि उसको आप पेस्ट स्पेशल वैल्यू करिए। इसको कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल वैल्यूज, वैल्यूज में जाके आप इसको ओके करेंगे तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। फिर मैं इसको यहां पे डिलीट कर सकता हूं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पेस्ट स्पेशल कैसे आया, मैंने तो कोई टैब सेलेक्ट नहीं की, उसका क्या शॉर्टकट है, क्या है वो आप लोगों को कुछ नहीं पता। तो एक्सेल 2003 से पहले शॉर्टकट याद करने पड़ते थे, लेकिन जब से एक्सेल 2007 आया है उसमें शॉर्टकट्स याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अल्ट दबाना है, आपको देखेंगे रिबन में सबके सामने वर्डिंग दिख रहा है HNPM। तो सपोज मेरे को होम में जाना है तो होम के लिए शॉर्टकट क्या हो गया H, ये होम में आ गया। अब मुझे जाना है पेस्ट में, तो पेस्ट के लिए क्या है, पेस्ट अभी चूंकि ये नहीं कॉपी करके मैं करता हूं, अल्ट दबाया H में आया, पेस्ट के लिए V, पेस्ट स्पेशल के लिए S, तो ये उसका शॉर्टकट हो गया। तो पहले हम बहुत सारा शीट शेयर करते थे कि एक्सेल का शॉर्टकट का शीट है उसको याद कर लीजिए, लेकिन एक्सेल शॉर्टकट याद करने का जरूरत नहीं है, आप खुद ही वहां से देख देख के यूज करने लगिए और आप धीमे से आपको वो शॉर्टकट याद हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने पेस्ट स्पेशल किया तो उसका शॉर्टकट क्या बन गया, अल्ट एच वी एस, वो आप तीन चार बार यूज करेंगे तो आपका उसका शॉर्टकट क्या होगा याद हो जाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू, यदि आपको एक्सेल में एक्सपर्ट होना है तो आप माउस का यूज मत करिए, माउस को छोड़ दीजिए, यहां से देख देख के आप शॉर्टकट्स अप्लाई करने की कोशिश करिए, धीमे धीमे आपको वो शॉर्टकट्स याद हो जाएंगे और आप यूज हो जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि आप शॉर्टकट भूल जाएंगे, लेकिन फिर से आप उसको देख के रिमेंबर कर सकते हैं। सो ऑलवेज एक्सेल के लिए कि आप माउस छोड़ दीजिए। ये मेरा हो गया इनवॉइस नंबर। अभी एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, हेलो सर। हाँ सिद्धार्थ सर, एक स्टूडेंट का डाउट है, वो कॉन्सेंट्रेट वाला फॉर्मूला रिपीट करने बोल रहे हैं, शायद मिस हो गए। कॉन्कनेट वाला रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है मैं फिर से रिपीट करता हूँ कॉन्कनेट। ये मेरे पास ये फॉर्मूला लगा हुआ है, सिंपल है, अब मैंने यहां पे लिखा हुआ है वन
मुझे इसको वो करना है तो मैं क्या करूंगा, दिस एंड दिस, ये मेरा कॉन्फिडेंट हो जाएगा यहां से। सिंपल फॉर्मूला है, दिस एंड दिस, जिसको जिसको आपको जोड़ना है उसको एंड लगा के आप क्या करिए, जोड़ते जाइए, तो आपका वो जुड़ जाएगा। करेक्ट है। अभी हम बात कर रहे थे डेट, इस सेल एक्सेल जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, उसके अंदर टेक्स्ट हो सकता है, कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, कोई डेट हो सकती है, फॉर्मूला हो सकता है, और क्या हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है। तो क्या हो गई, पांच चीज हो गई। उसमें क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, सेकंड क्या हो सकता है, डेट हो सकता है, थर्ड क्या हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, फोर्थ क्या हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है, फिफ्थ क्या हो सकता है, फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है। तो कई बार डेट में हम क्या देखते हैं, क्या प्रॉब्लम आता है, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर से जब हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, सपोज ओरेकल से, टैली में 7.2 में ये प्रॉब्लम आती थी, लेकिन टैली 9 में वो प्रॉब्लम नहीं आती है, या फिर कोई दूसरे एसएपी से जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डेट फॉर्मेट में नहीं रहता, वो कुछ ऐसा दिखता है आपको 20.0032020, ये आपको दिख रहा है कि डेट लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअली डेट फॉर्मेट में नहीं है। ये कैसे पता चलेगा डेट फॉर्मेट में नहीं है, यहाँ पे ये जनरल लिखा हुआ, और कई बार हम सोचते हैं यदि मैं इसको डेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये डेट नहीं है, ये टेक्स्ट है। डेट फॉर्मेट कैसा रहता है, एक्सेल डेट में डॉट को रीड नहीं करता है, तो डेट कैसे लिखना होगा, 20/03/2020, ये डेट फॉर्मेट। अब इसमें यदि मैं डेट में देखिए, डेट में जाता हूं, इसको लॉन्ग डेट करता हूं, तो यहां पे पूरी लॉन्ग डेट आ जाएगी, लेकिन यदि इसको मैं यहां पे डेट में लॉन्ग डेट में करूंगा तो ये लॉन्ग डेट में नहीं आएगी। तो कई बार हमको ये प्रॉब्लम होता है कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं डेटा तो वो डेट फॉर्मेट में नहीं रहता। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी डेटा आता है आपके पास तो इंश्योर करिए कि जो डेट है वो डेट फॉर्मेट में रहे। और वो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ कुछ एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सपोज ये आपके पास इतनी सारी डेट है और इसको आपको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा रो है, तो सिंपल पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, रिप्लेस, रिप्लेस में को क्या करना है, डॉट को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, डैश से। और यदि मैं रिप्लेस करूंगा तो ये देखिए आपका मेरा ये डेट फॉर्मेट में आ गया। अब मैं इसको यदि शॉर्ट डेट करूंगा तो ये शॉर्ट डेट में भी आ गया। डेट में होने से उस पर कैलकुलेशन हो पाएगा, दिस प्लस टू करने से यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है, यदि ये टेक्स्ट में होता तो उसमें कैलकुलेशन नहीं होता। तो आप समझ रहे होंगे जब टेक्स्ट में कोई चीज लिखी होती है तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, कैलकुलेशन खाली किस में होगा, आपका टेक्स्ट में होगा और डेट में होगा और टाइम में होगा। तो जब भी डेट बनाए तो इंश्योर करें कि वो आपका डेट फॉर्मूला है। और चूंकि हम डेट में बात कर रहे हैं तो डेट का कुछ स्पेशल फंक्शंस भी देख लेते हैं। ये मेरी डेट लिखी हुई यहाँ पे, इसमें से मेरे को सपोज डे बाहर निकालना है, क्या बाहर निकालना है, डे बाहर निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला है, डे, डे बाहर निकालने का क्या फॉर्मूला है, डे, डे, और इसका फॉर्मेट मेरे को क्या करना पड़ेगा, जनरल, तो ये 20 डे हो गए। इसमें से मेरे को मंथ बाहर निकालना है तो क्या करूंगा, फॉर्मूला है उसका मंथ, और ये दिया तो ये मंथ हो गया। यदि मुझको ईयर उसमें से बाहर निकालना है तो क्या हो गया, ये ईयर, तो ये मेरा डेट निकल गया, मंथ निकल गया, ईयर निकल। तो कोई पर्टिकुलर एक डेट से यदि आपको तीनों चीज निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीन फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है डे फॉर्मूला, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी डे निकाल सकते हैं। मंथ फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, आप मंथ निकाल सकते हैं, और ईयर फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हैं, आप उसका पर्टिकुलर ईयर निकाल सकते हैं। तो अपन ने तीन फॉर्मूले सीखे, अब एक और चौथा फॉर्मूला डेट से अपन देखते हैं। चौथा फॉर्मूला है यदि तीनों को जोड़ना है, सपोज कोई केस ऐसा होता है जहां पे मेरे पास डे अलग है, मंथ अलग है, ईयर अलग है, मेरे को उसको कंबाइन करके क्या बनाना है, डेट बनाना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए फॉर्मूला है डेट। क्या फॉर्मूला है उसके लिए, डेट। तो डेट लगाया मैंने, उसमें सबसे पहले उसने पूछा ईयर, फिर कॉमा मंथ कॉमा डेट,
और इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे मेरा डे बन गया। तो ये कैसे हो गया, चार फॉर्मूला बनने सीखे, पहला डे, सेकंड मंथ, थर्ड ईयर और फोर्थ डेट। ये यहां से मेरी डेट बन गई, ये मेरी डेट। क्लियर है सिद्धार्थ? यस सर, एकदम क्लियर है। क्लियर है। अब इसके बाद डेट से रिलेटेड एक और फॉर्मूला देखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, 20 तारीख होती है। ऑफ कोर्स 20 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो 20/04/2020। और नेक्स्ट डेट कौन सी आएगी, नेक्स्ट अगले महीने की डेट कौन सी आएगी, तो यहां पे मैं इसको, मेरे को साल भर का लेट फीस कैलकुलेट करना है, इसको मैं 19 करता हूं। अप्रैल की ड्यू डेट क्या होगी, 20/05/2019। मेरे को एक एक लिखना पड़ेगा। अब मैं क्या सोचता हूं, मैं इसमें प्लस 30 डेज ऐड कर देता हूं, तो आ गया। यहां पे करूंगा तो नहीं आएगा, यहां पे मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, 31 करना पड़ेगा। एवरी टाइम मेरे को 30 या 31 देख देख के आपको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, या फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, एवरी टाइम लिखना पड़ेगा उसको। उसका क्या शॉर्टकट है कि मेरे एवरी मंथ की 20 तारीख आ जाए वहां पे, उसके लिए डेट फॉर्मूला होता है। कुछ कुछ क्वेरी आ रही है, तो अपन कैसा करते हैं कि क्वेरी को एक साथ लास्ट में लेंगे, यदि पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड यदि क्वेरी है तो अपन तुरंत ले लेंगे, बाकी उसको लास्ट में लेंगे, ताकि वो जो फ्लो चल रहा है उसका फ्लो ब्रेक ना हो। तो इसको डेट को मेरे को नेक्स्ट ईयर, उसके लिए फॉर्मूला होता है ई डेट, उसका स्टार्टिंग डेट इज कितना महीना अपने को आगे बढ़ाना है, एक महीना आगे बढ़ाना है। इसको मैंने किया क्लोज, अब मैं इसको क्या कर दूंगा, डिलीट। ये क्या हो गया मेरा ई डेट। तो कितने फॉर्मूले सीखे अपन ने अभी तक, सबसे पहला फॉर्मूला था डे, मंथ, ईयर, देन डेट, ई डेट, ये चार फॉर्मूले। ई डेट यदि मेरे को सपोज वहां पे दो महीने का क्वार्टरली, तीन महीने का गैप चाहिए, तो उसको मैं क्या करूंगा, तीन करूंगा। ये देखिए, अब इसको मैं ड्रैग करूंगा, ये तीन तीन महीने का गैप आ गया, करेक्ट है। यहाँ पे मेरा क्या प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रहा है कि मेरे को 30, 31, 28 का टोटल नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्टली मेरे को वो डेट दे रहा है। अब एक और डेट से रिलेटेड फॉर्मूला होता है ईओ डेट, ईओ मंथ, ईओ मंथ, ईओ मंथ एंड ऑफ द मंथ, किसी डेट से मेरे को उसका एंड ऑफ द मंथ निकालना है। तो यहां पे क्या होगा, ईओ मंथ, इसका कॉमा वन, और इसका फॉर्मेट क्या, अभी जनरल है तो इसका फॉर्मेट मेरे को चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मेट किस में लाना पड़ेगा, डेट में लाना पड़ेगा। मैंने एक महीना किया, इसको मैं यदि जीरो करूंगा तो अप्रैल हो गया, यदि तीन महीना करूंगा तो तीन महीने का एंड ऑफ मंथ आएगा। तो ईओ मंथ से क्या आता है, एंड ऑफ द मंथ। क्लियर है सबको, ईओ डेट से क्या आएगा, एंड ऑफ द मंथ। हर्ष का कुछ मैसेज आ रहा है कि एक बार रिपीट करने के लिए, लेकिन कौन सा फॉर्मूला रिपीट करने के, यदि वो मेंशन बताएगा तो हम उसको रिपीट कर पाएंगे, इसमें से कौन से फॉर्मूले में उसको डाउट है। ये ईओ मंथ। अब उसके बाद होता है नेट नेट वर्किंग डेज। सपोज पूरे साल में मेरे कितने वर्किंग डेट है, सपोज मैं 2020 लेता हूं, तो मेरा स्टार्टिंग डेट है 01/01/2020 एंड डेट है 31/12/2020। अब इसमें मेरे कितने वर्किंग डेज है, तो वर्किंग डेज मेरे को कैसे निकालना पड़ेगा, नेट वर्किंग डेज, स्टार्ट डेट, कॉमा एंड डेट, और ये एंड डेट क्या होगा मेरा 31 दिसंबर, और इसे मैं ऐसे करूंगा, तो ये मेरा 262 वर्किंग डेज आ रहा है। ये चूंकि इंटरनेशनली है तो इसमें दो दिन वर्किंग छुट्टी दिखाता है, सैटरडे संडे ऑफ के हिसाब से। यहां पे यदि सपोज
कुछ वीकली या नेशनल हॉलीडेज है, सपोज फॉर एग्जांपल 10 डेज मेरे नेशनल हॉलीडेज है, तो हॉलीडेज का मैं यहाँ पे उसको लिस्ट दे देता हूँ कि हॉलीडेज उसके ये मेरी हॉलीडे की लिस्ट है, तो यहाँ पे मैं उसको हॉलीडेज में इसका रेफरेंस दे देता हूँ। ये 261 डेज हो गया, तो ये दो सैटरडे संडे की छुट्टी के हिसाब से ये आपका क्या करेगा, आपको नेट वर्किंग डेज बताएगा। 5 डे वीक के हिसाब से बताता है, सैटरडे संडे ऑफ के हिसाब से। तो पांचवा फॉर्मूला क्या हो गया, नेट वर्किंग डेज, करेक्ट। अभी इंडिया में तो हमारे यहां तो 2 दिन छुट्टी नहीं रहती, हमारे एक ही दिन छुट्टी रहती है संडे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए नेट वर्किंग डे इंटरनेशनल। यहां पे स्टार्ट डेट एंड डेट, और यहां पे अब छुट्टी कौन से दिन दिखाने, ओनली संडे, यस, तो ओनली संडे कॉमा संडे ओनली कॉमा, ये मेरा लीव पीरियड हो गया, ये मेरा नेशनल हॉलीडेज हुआ, ब्रैकेट क्लोज किया। तो इंडिया के हिसाब से, बिलासपुर अपने छत्तीसगढ़ के हिसाब से यदि देखें तो कितने वर्किंग डेज हो गए, ये कितने वर्किंग डेज हो गए, 312 वर्किंग डेज हो गए। ये फॉर्मूला क्या हो गया, नेट वर्किंग डेज इंटरनेशनल, नेट वर्किंग डे इंटरनेशनल। और एक नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला क्या था, नेट वर्किंग डेज दिस कॉमा दिस कॉमा ये, और ये मेरा याद, ये नेट वर्किंग डेज, कितने फॉर्मूला हुए, क्लियर है सबको। मैं चाहूंगा थोड़ा इंटरेक्टिव हो, जो भी लाइव हो अपना कमेंट करते जाए कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं, मेरी स्पीड कुछ ज्यादा है या कम है, यदि स्पीड बढ़ाने की जरूरत है तो मैं बढ़ाऊं, करेक्ट है। अभिनव का मैसेज आया यो मंथ रिपीट करने के लिए, ठीक है मैं रिपीट करता हूँ यो मंथ, और बाकी लोग भी कुछ कमेंट करेंगे। ईओ मंथ, ईओ मंथ क्या करता है, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ मंथ, ये 20 तारीख का एंड ऑफ मंथ कौन सा होता है, 30 अप्रैल होता है। तो जो भी डेट लिखी होगी उसका एंड ऑफ मंथ कौन बताएगा, ईओ मंथ बताएगा। उसका सेम मंथ का एंड ऑफ मंथ बताना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 0, नेक्स्ट मंथ करना है तो 1। तो यहां अप्रैल चाहिए अपने को, तो एंड ऑफ मंथ क्या हो गया, 30 अप्रैल हो गया, क्लियर है अभिनव, क्लियर है आपको। यस सर, आगे बढ़िए, क्लियर क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो डेट के कितने फॉर्मूले हो गए, 8 फॉर्मूले हो गए, डे मंथ ईयर डेट ई डेट ईओ मंथ नेटवर्क डेज नेटवर्क डे इंटरनेशनल, ये क्लियर है आपको। ये जो नेटवर्किंग डेज इंटरनेशनल है, ये आई थिंक 2007 वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ये 2007 हायर वर्जन में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा, बेसिक में आपको वो नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्मूला यदि आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। डे से क्या हो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डे से क्या होगा, किसी डेट में से, अभी मैं डे से क्या होगा इसका, डे इसका डे निकल गया, मंथ से निकलेगा, मंथ ईयर से निकलेगा ईयर, डेट फॉर्मूला से डेट मर्ज होगी, तो सबसे पहले ईयर कॉमा मंथ कॉमा डेट, यहां से मेरी बन गई डेट। ई डेट से क्या निकलेगा, मेरा ई डेट, कितना महीना चाहिए मेरे को, सपोज वहां पे 3 महीना चाहिए, तो ये 3 महीना, तो ये ईओ मंथ से, ईओ मंथ 0,
सीईओ मंथ से जीरो। नेटवर्किंग डेज से क्या निकलेगा आपका? वर्किंग डेज। यदि आप लोग लैपटॉप के सामने तो साथ साथ में करेंगे तो बहुत आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। स्टार्ट डेट, एंड डेट और देन हॉलीडे। दिस इज माय हॉलीडे। तो ये मेरा 261, ये इंटरनेशनल, ये वीक, फाइव डे वीक के हिसाब से, सैटरडे संडे ऑफ के हिसाब से, और ये मेरा इंडिया के हिसाब से अपन बनाते हैं। स्टार्ट डेट दिस कॉमा एंड डेट, एंड डेट दिस कॉमा वीकेंड। वीकेंड कौन सा है मेरा? ओनली संडे मेरा लीव है, तो ओनली ओनली संडे कॉमा हॉलीडेज। दीज आर माई हॉलीडेज। तो इंडिया के हिसाब से या छत्तीसगढ़ के हिसाब से भी देखें तो इतने वर्किंग डेज। ये 8 फॉर्मूले डेज से रिलेटेड है जो मेजरली हमको यूज आते हैं, तो इसको यूज करने के बाद आप डेज को डेट का, और ये शीट मैं कोशिश करूंगा कि ये शीट आपको शेयर कर दूं तो आप ये फॉर्मूला देख सके और बाद में प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर सके। तो ये जो शीट बन रही है अपन लाइव डेमो को, आप उसको देख पाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हमारी डेट हमको बनानी थी, तो 01 01 देन 2020। इसमें मैं 25 डेज है अभी मेरा ऑडियो को सर। हाँ कपिल सर। हाँ सिद्धार्थ। शीट में जो आपने कॉल का लिखा है ना सर, उसको शो कर देते तो बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग स्क्रीनशॉट ले लेते। हाँ ठीक है, मैं ये शीट को। हाँ सर, वो सर कंट्रोल और एस्केप के नीचे वाला सिंबल। हाँ सर, ये फॉर्मूलेज आपको पूरे दिख रहे हैं। यस यस सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेगा। हाँ एक बार यदि मैं इसको पूरा बड़ा कर लेता हूँ, यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ये शीट मैं बाद में शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको बाद में देख सकते हो। शीट रहेगी तो आप फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है सिद्धार्थ? यस सर। ठीक है, अब आता है पार्टी जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर सबको पता है कितना डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है। तो एक सैंपल जीएसटी नंबर बनाता हूं मैं, 22BQPS0540D1Z9। ये एक जीएसटी नंबर है फॉर एग्जांपल। तो हम जब जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं उसमें? जनरली कई बार R1 फाइल करना रहता है, R2 फाइल करना रहता है, तो उसमें जीएसटी नंबर गलत रहते हैं। इनिशियली ऐसी बहुत मिस्टेक आती थी कि वो 15 डिजिट का ही नहीं है, तो उसका लेंथ चेक करना है। ये शीट हो गई मेरी, दिस इज डेट फंक्शन। अब मैं एक और शीट बनाता हूं, इसमें क्या कवर होंगे आपके? टेक्स्ट फंक्शन। ओके, अभी जीएसटी नंबर से आते हैं। ये जीएसटी नंबर है, इसमें सबसे पहले मुझे चेक करना है कि ये 15 डिजिट है कि नहीं, क्योंकि जीएसटी नंबर कितना डिजिट का होना चाहिए? 15 डिजिट का। तो वो चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ, लेंथ उसकी लेंथ। ये क्या करेगा मेरे? ये लेंथ बताया, तो ये क्या हुआ? एक डिजिट कम है, 14 डिजिट है, तो लेंथ से मेरे को उसकी लेंथ पता चलेगी। सेकंड, सबको पता है कि जीएसटी नंबर का कंपोजिशन क्या होता है? पहले 2 लेटर जो होते हैं वो स्टेट कोड होते हैं, बाद के 10 डिजिट जो होते हैं वो क्या होता है? पेन नंबर होते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 उसका रजिस्ट्रेशन होता है, देन सेट, देन चेक डिजिट। तो पहला 2 जो डिजिट है वो क्या डिनोट करता है? उसका स्टेट कोड। यहाँ पे जो कि अपन छत्तीसगढ़ का स्टेट कोड क्या है? 22। एमपी का क्या है? 23। महाराष्ट्र का 27। तो यहां से मेरे को उसका स्टेट कोड अलग निकालना है।
तो मैं स्टेट कॉर्ड कैसे अलग निकाल सकता हूं उसका? इसके तीन फॉर्मूलाज होते हैं, लेफ्ट राइट मिड। तो सबसे पहले देखते हैं अपन लेफ्ट, लेफ्ट इसका लेफ्ट निकालना है, कितने कैरेक्टर निकालने हैं मुझे? दो कैरेक्टर। तो दो कैरेक्टर, ये देखिए दो कैरेक्टर में मुझे क्या मिल गया यहां पे, उसका स्टेट कोड मिल गया। अभी सपोज मुझे राइट निकालना है, राइट कॉमा एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर, तो यहां पे डी निकल गया। ठीक है, अब मेरे को उसका पेन नंबर निकालना है। पेन नंबर कहां से चालू होता है? तीसरा डिजिट से चालू होकर जो 10 डिजिट है वो उसका क्या है? पेन नंबर है। तो मुझे बीच से निकालना है, तो बीच से निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? मिड। मिड टेक्स्ट किसका निकालना है? तो इसका निकालना है कॉमा स्टार्टिंग नंबर। क्या पूछ रहा है वहां पे? देखिए स्टार्टिंग नंबर, तो कहां से आपको उठाना चालू करना है? तीसरे डिजिट से मुझे उठाना है, तो कॉमा 3 कॉमा कितने डिजिट उठानी है आपको? तो मुझे कितने उठानी है? 10। तो ये 10 मैंने किया और ब्रैकेट क्लोज किया, तो ये हो गया उसका पेन नंबर निकल गया। क्लियर है सबको? लेफ्ट राइट मिड और कॉन्किनेट अपन देख चुके हैं, लेकिन तो भी उसको एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। दिस एंड दिस एंड दिस, ये मेरा क्या हो गया? कॉन्किनेट का फॉर्मूला हो गया। दिस कॉमा दिस कॉमा, ये मेरा कॉन्किनेट का। अब एक और टेक्स्ट, ये सब टेक्स्ट फंक्शन है। अभी ये मेरा जीएसटी नंबर किस में लिखा हुआ है? अपर केस में। मेरे को इसको लोअर करना है, तो लोअर दिस, तो ये लोअर केस में हो गया। मुझे इसे अपर करना है, अपर दिस, तो ये मेरा अपर केस में हो गया। क्लियर है सबको? लोअर के लिए लोअर, अपर के लिए अपर। अब मुझे इसे सपोज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डिजिट बड़ा करना है, बाकी सब छोटा करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉपर प्रॉपर देन दिस, तो ओनली बी देखिए बड़ा है, बाकी सब छोटा हो गया। करेक्ट है? प्रॉपर में क्या होगा? आपका फर्स्ट लेटर ही क्या बोलते हैं, एवरी फर्स्ट लेटर आपका बड़ा होगा। क्लियर है सबको? मैं ये आपका शीट आपके लिए रेडी कर देता हूं। ये कितने फॉर्मूले हैं टेक्स्ट फंक्शन के भी? ये 8 फॉर्मूले हैं। सबको क्लियर है? सिद्धार्थ क्लियर? ये आपको यदि फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेना है या फॉर्मूला देखना है तो मैं इसको ये फिर से बताता हूं, ये आप इसको देख सकते हैं। करेक्ट है? सब लोग देख लिए इसको? आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये अपना कौन सा फंक्शन हो गया? डेट फंक्शन अपन ने देखे, आप कौन से फंक्शन देखे उसके बाद टेक्स्ट फंक्शन देखे। अपने मेन शीट पे मूव करते हैं। यहाँ पे मेरा पार्टी जीएसटी बन गया है, इसको मैं पार्टी नाम रखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, तो एक फॉर्मूला होता है रैंडम, रैंडम बिटवीन।
कई बार ऑडिट में सैंपलिंग करना रहता है, तो कौन सा डेटा सेलेक्ट करें उस टाइम, ये अपन रैंडम सैंपलिंग जब करते हैं तब ये फॉर्मूला यूज आता है रैंडम सैंपलिंग के लिए। तो जेन बिटवीन स्टार्टिंग नंबर मेरा कितना है 1000 से लेके कॉमा 9000, ये फॉर्मूला से मुझे क्या पता चलेगा रैंडम नंबर। सपोज मुझे कोई सेल्स रजिस्टर या उसका वाउचिंग करना है, फॉर एग्जांपल सेल्स वाउचिंग करना है, परचेज वाउचिंग करना है, तो मैं कौन सा सेलेक्ट करूं, तो यहां से आप रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं। अपना इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस भी रैंडम सैंपलिंग कुछ कुछ केसेस पे अलग अलग मेथड से अलाउड करती है। देन टैक्स रेट 5, 12, 18 टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ये सिंपल कैलकुलेशन करते हैं टैक्स। ये डेट में आ रहा है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरा एक सेल्स रजिस्टर क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, तो सेल्स रजिस्टर रेडी करते करते मैंने डेट फंक्शन दिखा, टैक्स फंक्शन सीखा। अब उसके बाद आते हैं वी लुकअप। वी लुकअप एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है सभी ऑफिसेज में, सीए ऑफिस में यदि वी लुकअप किसी को आता है, मतलब वी लुकअप कंपलसरी आना। वी लुकअप से आपका बहुत काम आसान हो सकता है, बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं यदि आपको वी लुकअप अच्छे से पता है। तो वी लुकअप क्या होता है उसको समझिए। वी लुकअप में क्या होता है, आपके पास दो डेटा है, क्या है दो डेटा है, दोनों डेटा में क्या है कुछ कॉमन होना चाहिए। नाम से समझ आ रहा है, लुकअप लुकअप करता है, वर्टिकली लुकअप करता है। तो दो डेटा है आपके पास, दोनों में कुछ कॉमन है। उसका एकदम लाइव एग्जांपल देखें अगर, तो जीएसटीआर 2A मैचिंग। जब जीएसटीआर 2A मैचिंग करते हैं उसमें क्या होता है, एक डेटा में आपके पास क्या अवेलेबल रहता है, आपका खुद का परचेस रजिस्टर रहता है, और दूसरा डेटा सामने आपके पास क्या रहता है जीएसटीएन से जो जीएसटीआर 2A डाउनलोड होता है। तो दो डेटा हो गए, दोनों में कॉमन क्या है जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर, उसको दोनों को मैच करना है। तो वी लुकअप जब भी काम करना है, जब आपके पास दो डेटा है दोनों में कुछ कॉमन है, उस कॉमन को क्या बोलते हैं अपन प्राइमरी की। तो प्राइमरी की के बेस पे आप एक जगह का डेटा दूसरी जगह ला सकते हैं, दूसरी जगह का डेटा दूसरी जगह ला सकते हैं। ये एक अपना ये एग्जांपल बना हुआ है, करेक्ट है, इसमें अपन वी लुकअप लगा के देखते हैं। तो ये मैं अज्यूम करता हूं ये मेरा डेटा है जीएसटी 2 का डेटा है, करेक्ट, और मेरे पास एक और डेटा है, इसी को मैं सैंपल फाइल को कॉपी करता हूं और ये मेरा हो गया ये मेरा 2A का डेटा है, करेक्ट है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, सब कुछ सेम है तो इसको मैंने कर दिया 18, इसको कर दिया डिलीट, ये एक सैंपल डेटा बना रहा हूं मैं, कुछ अनकॉमन रख रहा हूं ताकि अपने को डिफरेंस हो रहे पता चले। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, दो डेटा हो गया, एक डेटा है मेरा जीएसटी 2, करेक्ट है, सेकेंड डेटा है मेरा जीएसटी 2A, जीएसटी 2A मैंने पोर्टल से निकाला है और जीएसटी 2 मेरे टैली डाटा या फिर जो भी मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें से आया है। अब मुझे क्या मैच करना है कि मेरे जीएसटी 2 में ये जो टैक्स दिख रहा है पर्टिकुलर ए पार्टी का अगेंस्ट दिस इनवॉइस, वो 2A में रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा रिफ्लेक्ट कर रहा है, करेक्ट, रिफ्लेक्ट कर रहा है, करेक्ट। तो अब ये तो सैंपल है, यहाँ पे 10 है, जब आप लाइव में जाएंगे तो आपके पास हो सकते हैं 1000 इनवॉइस है, 2000 इनवॉइस है, तो उसको कैसे कंपेयर किया जाए। तो उस टाइप क्या काम आता है आपका वी लुकअप काम आएगा, क्या काम आएगा वी लुकअप, लुकअप करना है आपने, क्या लुकअप करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वी लुकअप करता हूँ, यहाँ पे मेरा प्राइमरी की क्या होगा
इनवॉइस नंबर प्राइमरी की हो गया, इनवॉइस नंबर के बेस पे मैं क्या करूंगा वी लुकअप लगाऊंगा। तो सबसे पहले वी लुकअप लगाने के लिए प्लस, अब यहाँ पे आप एकदम ध्यान दीजिएगा, वी लुकअप सबसे पहले पूछ रहा है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, क्या पूछा उसने, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब मुझे क्या लुक करना है, क्या लुक करना है मुझे, ये इनवॉइस नंबर लुक करना है, करेक्ट है, क्या लुकअप करना है, कॉमा टेबल एरे, टेबल एरे मतलब कहां पे लुकअप करना है, ये इनवॉइस नंबर को मैं कहां जाके ढूंढूं, करेक्ट है, तो मुझे कहां पे लुकअप करना है, इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में क्या करना है, ढूंढना है। सबसे पहले हुआ क्या ढूंढना है, सेकंड कहां ढूंढना है, तो यहां पे ढूंढना है, कहां पे, जीएसटीआर 2A में ढूंढना है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, सपोज उसको वो इनवॉइस मिल जाता है तो उसमें आपको कौन सा कॉलम चाहिए, तो मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, यहां पे टैक्स का कॉलम चाहिए, तो टैक्स को मेरे को काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने की, जो आपका कॉमन इनवॉइस है, जो कॉमन फील्ड है, उसको आपका क्या काउंट करेंगे, वन, तो ये इनवॉइस नंबर क्या हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, करेक्ट, तो मेरे को कॉलम कौन सा चाहिए, सिक्स चाहिए, फिर कॉमा जीरो, ये हमेशा बाय डिफॉल्ट जीरो रहेगा, ये अप्रोक्स मैच के लिए होता है, एग्जैक्ट मैच के लिए होता है, हम हमेशा एग्जैक्ट मैच पे बेस पे काम करते हैं, क्योंकि अप्रोक्स मैच का पूरा फंक्शनलिटी अलग है, वो अपन आगे देखें, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जीरो हो गया, और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे मेरा क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा, तो दो नंबर पे वहां पे क्या है, अब मैं यहाँ पे इसका दिस इक्वल टू, तो जो मैच कर रहा है वो टू है, जो मैच नहीं कर रहा है फॉल्स है, एन ए मतलब वहां पे नहीं मिला, यहां पे जाके देखता हूं मैं टू में, टू में वैल्यू कितनी है इसकी 943, तो यहां पे कितनी आई 943, ये फाइव नंबर इनवॉइस उसको क्या हुआ, यहां पे मिला ही नहीं, ये देखिए यहां पे चार के पास सीधा क्या आ जा रहा है, छह आ जा रहा है, पांच नंबर उसके पास है ही नहीं, तो वी लुकअप से क्या हुआ, वहां से मैंने टेक्स्ट ले आया, उसको कंपेयर किया, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, आई होप सब लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सब लाइव कर रहे हैं क्या, कितने लोग लाइव मेरे साथ कर रहे हैं, जो ट्राई कर रहे हैं इसको, एनी कमेंट्स, साथ साथ, क्योंकि इसको प्रैक्टिकल करने में कुछ कुछ दिक्कत आती है, तो मैं चाहूंगा आप लोग साथ साथ में करेंगे ना, तो आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा ये। फिर से करते हैं इसको एक बार रिविजन पे, इसके लिए सब देखिए साथ में, वी लुकअप क्या ढूंढना है, मुझे क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, करेक्ट है, कॉमा कहां पे ढूंढना है, इस पूरे टेबल में ढूंढना है, पूरे टेबल में ढूंढना है, अभी जो वन टू थ्री फोर मैं काउंट कर रहा था, मेरे को पूरे टेबल में ढूंढना है, इस पूरे में ढूंढना है, और मेरे को कौन सा वैल्यू चाहिए इसका, टैक्स वैल्यू चाहिए, टैक्स कौन से उसमें है, छठवे उस रो में, तो सिक्स कॉमा जीरो बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट क्लोज, तो ये मेरा यहां पे। अब मैं इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, तो यहां पे मेरा रिजल्ट आ जाता है, करेक्ट है। इसमें वी लुकअप क्लियर है। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है, वी लुकअप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अभी आप देखिए यहां पे मैंने जो फॉर्मूला लगाया, इसको फॉर्मूले को पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है फॉर्मूला, ए टू को व्यू करना है, कहां पे, मेरे जीएसटीआर 2A शीट के A1 से लेके F10 तक, करेक्ट है, A2 को लुक करना है A1 से F10 तक, तो मेरा देखता हूं A1 से F10 क्या है, A1 से F10 करेक्ट है, ये मेरा डेटा एरिया करेक्ट है, लेकिन यहां पे जब मैं पेस्ट करता हूं ना, तो ये क्या होता है, A2 से F11 ले लेता है, A2 से F11 मतलब कितने एरिया में ढूंढ रहा है वो, खाली इतने एरिया, यहां पे भी करेक्ट है। यदि मैं नीचे आता हूं, सपोज एक, ये
आपको मैंने बताया ये जो रेफरेंस है यहाँ पे क्या हो गया, A7 से F16 हो गया, कहाँ पे ढूंढना है क्या हो गया, A7 से F16। अब A7 से F16 कहाँ है, वो कहाँ पे ढूंढ रहा है उसको, यहाँ पे ढूंढ रहा है, जबकि मेरा डेटा यहाँ पे है क्या, नहीं है। तो अपन ने शुरू में ही देखा कि एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस का कॉन्सेप्ट देखा है अपन ने। क्या होता है कॉन्सेप्ट, जब भी मैं कुछ कॉपी पेस्ट करता हूं तो वो हमेशा किस उसमें होता है, वो रिलेटिव रेफरेंस होता है। रिलेटिव रेफरेंस होने के कारण क्या हो रहा है, यहां पे मेरा A2 A3 में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन मेरा जो डेटा एरिया है जहां पे मेरे को ढूंढना है, करेक्ट, जहां मेरे को ढूंढना है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस करना पड़ेगा। और एब्सोल्यूट रेफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, डॉलर लगाते हैं। तो यहां पे मैं वीलू का लगा, ये थंब रूल है, जब भी आप कभी वीलू कप लगाएं तो डॉलर लगाना ना भूलें, डॉलर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉलर क्यों लगाते हैं, एब्सोल्यूट को, सॉरी रिलेटिव को एब्सोल्यूट करने के लिए। तो मुझे यहां पे A2 को तो क्या करना है, रिलेटिव रहना था A3 A4 A5 A5, लेकिन ये इसको मैं चाहता हूं फिक्स रहे। तो यहां पे मैंने डॉलर लगाया, यहां पे डॉलर लगाया और ये नीचे देखिए मेरा जो AF9 डेटा एरिया जहां पे ढूंढना है वो हमेशा क्या रहा है, फिक्स रहा है। चेंज हुआ है तो क्या हुआ है, खाली A1 A2 A3 A4। तो समझ आ रहा है आपको ये डॉलर का इंपॉर्टेंस VLOOKUP में, कि VLOOKUP लगाते टाइम हमेशा आपका जो डेटा एरिया है, मतलब कहां पे ढूंढना है, उसको हमेशा क्या करना है आपको, डॉलर लगा करना है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करता हूं इसको जल्दी से, ताकि यदि किसी को कुछ डाउट हो, VLOOKUP क्या ढूंढना है, कॉमा कहां ढूंढना है, कॉमा उसका कौन सा वैल्यू चाहिए, कॉमा डिफॉल्ट 0। और इसको पेस्ट करने से पहले क्या करूंगा, A1 के बीच में डॉलर लगाऊंगा और बीच में डॉलर लगाऊंगा, फिर मैं इसको पेस्ट करूंगा, उससे क्या होगा, मेरा डेटा एरिया हमेशा क्या होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस में आएगा। डेटा एरिया क्या आएगा, एब्सोल्यूट क्या ढूंढना है, लेकिन कहां ढूंढना है वो हमेशा फिक्स है। और ये एन ए का मतलब क्या हुआ, वो वहां पे नहीं है, करेक्ट, क्लियर है सबको, सब जल्दी जल्दी लाइव चैट में बता दे कि क्लियर है, तो हम उसको आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ये इंटरेक्टिव हो पाएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट में ताकि क्लियर नहीं है, यदि कुछ डाउट है तो भी शेयर कर सकते हैं VLOOKUP से रिलेटेड। सब लोग ट्राई कर रहे हैं साथ में मेरे, सब मेरे साथ में चलिए। निकिता करेक्ट, कंफर्टेबल, और कौन है, सिद्धार्थ, पंकज, क्लियर, आगे बढ़े। यस सर, क्लियर, यस सर, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये VLOOKUP से मैंने क्या कर लिया, VLOOKUP से मैंने उसका लाया। अभी एक चीज देखिए, यहां पे 9 इनवॉइस है, यहां पे भी मेरे को VLOOKUP लगाना पड़ेगा, इसमें जो है और उसमें नहीं है। ऐसा भी केस हो सकता है, कुछ इनवॉइस ऐसे हो सकते हैं जो GSTR 2 में है लेकिन बुक्स में नहीं है, तो मेरे को यहां पे फिर से क्या लगाना पड़ेगा, मैचिंग के लिए VLOOKUP लगाना पड़ेगा, दिस कॉमा सिक्स कॉमा जीरो। अभी ये देखिए, ये आपका एन ए आया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे ये इनवॉइस नहीं, तो ये केस कैसा हो गया, मेरे बुक्स में नहीं है लेकिन GSTR 2 में है, और यहां पे जो यदि है बुक्स में है लेकिन 2A में नहीं है। जब भी GST रिकंसिलेशन करते हैं तो दो ही चीज हो सकती, तीन चीज हो सकती, चार चीज हो सकती। सबसे पहला 100% मैच हो जाए, तो ये 100% जो ट्रू वाले दिख रहे हैं आपके क्या हो जाएंगे, वो 100% मैच है। सेकेंड चीज क्या हो सकती, दोनों में है लेकिन वैल्यू अलग अलग है, दोनों में है लेकिन वैल्यू अलग अलग है, अपने केस में तो सभी का वैल्यू सेम है, करेक्ट है। थर्ड थिंग क्या हो सकता है GST या मैचिंग में,
अपने डेटा में है लेकिन सामने वाले पार्टी ने रिटर्न नहीं फाइल किया, तो ये जो एन ए आ रहा है अपने डेटा में है लेकिन 2A में नहीं दिख रहा है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, नॉट इन 2A। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि 2A में दिख रहा है लेकिन हमारे बुक्स में नहीं, ये 10 नंबर का इनवॉइस 2A में है लेकिन हमारे बुक्स में है क्या, नहीं है। तो ये चार ऑब्जर्वेशन मेनली हो सकते हैं जीएसटी 2A मिलाने के लिए। क्लियर है सबको? अब वी लुकअप का कुछ लिमिटेशंस में आते हैं। वी लुकअप फॉर्मूला सबको क्लियर हो गया, अब उसका कुछ लिमिटेशन है, उस फॉर्मूला का कुछ रूल्स है। तो सबसे पहला रूल है क्या है उसका, कि आपको वो आपके, ये मेरा कॉमन एरिया है और मुझे हमेशा इस तरफ, हमेशा आपका जो कॉमन के लेफ्ट तरफ का जो डेटा है वही क्या कर सकता है, वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। कॉलम आपका जो प्राइमरी क्री है उसके लेफ्ट का, सपोज यहां पे इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट यहां पे है और मुझे इनवॉइस डेट चाहिए वीलुकअप से, तो मैं निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। अभी मैं सपोज मुझे इनवॉइस डेट चाहिए तो इनवॉइस डेट निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो पहला लिमिटेशन है वीलुकअप का, ऑलवेज आपके लेफ्ट साइड का डेटा के लेफ्ट का ही डेटा वो एक्सट्रैक्ट करके देख सकता है, इनवॉइस डेट को एक्सट्रैक्ट करके नहीं देख सकता। सेकंड लिमिटेशन उसका, सेकंड जो की पॉइंट है, सपोज मैं यहां पे वीलुकअप लगाता हूं फिर से, वीलुकअप क्या ढूंढना है मुझे, ये ढूंढना है कॉमा, पूरा कहां ढूंढना है, यहां पे ढूंढना है कौन सा वैल्यू चाहिए, छठवा चाहिए कॉमा जीरो। ये देखिए यहां पे एन ए आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, एन ए आ रहा है, जबकि ये वन नंबर इनवॉइस यहां पे क्या है, अवेलेबल है, तो भी वहां पे एन ए आ रहा है। वन नंबर होते हुए भी यहां पे एन ए आया, क्यों एन ए आया, जब मैं वी लुकअप लगाता हूं तो मेरे को जो डेटा एरिया देना है, जो डेटा एरिया जहां पे ढूंढना है, वो अभी मैंने क्या किया, A1 से F9, A1 से F9, A1 कहां से शुरू हो रहा है, ये यहां पूरा A1 से F9 पूरा ले रहा है, जबकि मेरा कॉमन जो की है वो क्या है, इनवॉइस डेट। तो क्या ध्यान रखना है, जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं तो वी लुकअप ये ढूंढना है कॉमा, कहां ढूंढना है, यहां ढूंढना है, तो मेरे को पूरे डेटा को सिलेक्ट नहीं करना है, मेरा जो कॉमन की है, ऐसा करूंगा तो क्या होगा, एरर आएगा। मेरे को जहां मेरा कॉमन है, क्या इनवॉइस नंबर कॉमन है मेरा, तो इनवॉइस नंबर से कॉमा 5, 0, ये देखिए अब रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है सबको? और यदि मैं पूरा लेता तो क्या होता, वी लुकअप इनवॉइस नंबर, ये क्या होगा, एन आएगा। तो सेकेंड अपना ध्यान रख, फर्स्ट चीज सबसे पहला क्या हो गया, डॉलर लगाना है हमेशा। सेकेंड थिंग क्या हो गया कि जब मैं कहां से ढूंढना है, देखता हूं कहां से ढूंढना है, यदि वो मैं देता हूं तो मुझे जो कॉमन है वहां से मुझे उठाना है, उसके बेस पे वो सेकेंड पॉइंट हो गया। करेक्ट है सबको? अब थर्ड पॉइंट, ये डेटा एक वी लुकअप, जो सपोज एक और पार्टी, ये सपोज ये नंबर यहां पे वन नंबर मैं यहां पे रिपीट कर देता हूं, करेक्ट है, और यहां पे मैंने ये एन ए क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे डॉलर नहीं लगा है, तो यहां मैं क्या करूंगा, डॉलर लगाऊंगा, ये मेरा डेटा आ गया। अभी यहां पे वन नंबर पे क्या है, 300 मिले, और यहां पे यदि वन नंबर दो बार आता है तो
तो और यहाँ पे भी सपोज ये यहाँ पे कोई इनवॉइस नंबर मेरा रिपीट कर रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे वन नंबर एक बार है, दूसरे बार भी वन नंबर है, तो यहाँ पे भी मेरा वन नंबर क्या है, एक बार है और सेकंड टाइम भी है। फर्स्ट वन का वैल्यू कितना है 319 और सेकंड का कितना है 2210, लेकिन जब मेरा विकुला कब लगता है तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है 319 ही आता है। तो ये वीलुकअप का लिमिटेशन है, यदि कोई रिपीट होता है, सपोज कुछ रिपीट होता है तो वो हमेशा पहला रिजल्ट देता है। वो क्या करता है, सिस्टम यहां से जाके यहां पे ढूंढता है, उसको जो पहला मिल जाता है उसी का रिजल्ट दे देता है। क्लियर है आपको सबको ये कि जो पहला मिलेगा उसको रिजल्ट देगा, रिपीट वाले को वो क्या कर देता है, वो इग्नोर कर देता है। तो यहां पे सेकेंड बार रिपीट होने के बाद भी क्या हुआ, फर्स्ट वन का ही वैल्यू है, तो ये तीसरा उसका लिमिटेशन हो गया। तो सबसे पहला क्या ध्यान रखना है, डॉलर, सेकेंड जो आप लेफ्ट का नहीं उठाता, थर्ड जो आपका कॉमन आइटम है वहां से ही आपको लिखाना है, वीलुकअप चलाना है, और पांचवा कि जो रिपीट हो रहा है उसको वो इग्नोर करते हैं, हमेशा फर्स्ट वैल्यू वैल्यू को ही वो लेता है, करेक्ट है। इसके बाद एक और लिमिटेशन में आते हैं अपन, वीलुकअप का एक और लिमिटेशन क्या होता है, किसी एक कंडीशन के बेस पे क्राइटेरिया पे क्या करता है वो वीलुकअप करता है। सपोज ये एक ही कर, ये वन जो है ना ये ए पार्टी का है, और ये वन जो है ना ये बी पार्टी का है, तो मेरे को दो क्राइटेरिया पे वीलुकअप लगाना है। क्या करना है, दो क्राइटेरिया पे, पहला क्राइटेरिया मेरा पार्टी देखे, उसके बाद उसका इनवॉइस नंबर देखे। तो वीलुकअप का लिमिटेशन क्या है, वो सिंगल क्राइटेरिया पे क्या करता है, वीलुकअप लगाता है, करेक्ट है सर। तो यदि उसको डबल क्राइटेरिया में क्या करना पड़ता है, तो अपने को एक नया फॉर्मूला क्या करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है, एक नया फॉर्मूला बिल्ड करेंगे। तो अपन एक नया फॉर्मूला बिल्ड करते हैं, नया फॉर, जब मेरे पास डबल कंडीशन रहती तो पार्टी नेम और इनवॉइस के बेस पे करने के लिए, तो एक मैं नया यहां पर कॉलम एड किया। अब मैं इसको कॉन्किनेट करता हूं, दिस एंड दिस, और इसको मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। पार्टी ए एंड ये अपन ने सबसे शुरू में देखा था, ये मैंने पार्टी ए का ये इनवॉइस नंबर, ये वन किसका है, पार्टी बी का है। सेम मैं यहां पे भी ऐसा ही एक बना देता, करेक्ट। तो मेरे को मल्टीपल कंडीशन में करना है, मेरे को क्या करना है, पार्टी और उसका बिल नंबर के साथ दोनों के हिसाब से देखें। अब मैं यहां पे वीलुकअप लगाता हूं, अब मुझे कहां सेलेक्ट करना रहेगा, यहां से सेलेक्ट करना रहेगा, कॉमा चार कॉमा उस। अब देखिए यहां पे क्यों नहीं आया, मुझे अब डॉलर लगाना पड़ेगा, मैंने डॉलर नहीं लगाया, डॉलर डॉलर। अब देखिए वन के लिए करेक्ट वैल्यू आ गई, वन के लिए क्या हो गया, ये दीक्षा का एक क्वेरी है कि ये रिपीटेशन का प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, तो ये जो अभी बता रहा हूं उसका सलूशन ही है। तो अभी देखिए ये इसका वन इनवॉइस नंबर का रिपीट हो रहा है, लेकिन पार्टी क्या थी उसकी अलग थी, तो मैंने क्या किया एक नई फील्ड बनाई, पार्टी और इनवॉइस नंबर दोनों को क्लब कर दिया, उसके बेस पे वी लुकअप मारा, तो यहाँ पे मेरा करेक्ट है। यदि मैं नॉर्मल वी लुकअप मारता तो क्या आता है यहाँ पे, सपोज मैं नॉर्मल वी लुकअप मारता हूं, नॉर्मल वी लुकअप दिस कॉमा दिस,
6, 0 ये क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे डॉलर नहीं लगा है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉलर लगाना पड़ेगा, ये डॉलर लगा दिया मैंने। अब देखिए, यदि मैं नॉर्मल वी लुकअप लगाता हूं तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? 319, क्योंकि वो सिंगल क्राइटेरिया पे है। वी लुकअप का लिमिटेशन है कि जब वैल्यू रिपीट करती है तो क्या करता है, पहला वैल्यू का हमेशा रिजल्ट देता है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए क्या कर लिया मैंने, डबल कंडीशन के बेस पे वी लुकअप लगा लिया, डबल क्राइटेरिया। तो पहला तो क्राइटेरिया मैंने बनाया, एक क्राइटेरिया डेवलप किया। कैसे डेवलप किया? कॉन्किनेट करके, इनवॉइस नंबर और पार्टी नेम को मर्ज कर दिया, दोनों जगह मर्ज कर दिया, उसके बेस पे वी लुकअप लगाया। तब मेरा रिजल्ट यहाँ पे आप देखेंगे 2210 करेक्ट आ गया। तो ये उसका एक और लिमिटेशन है, जब भी डुप्लीकेट होता है तो पहला वैल्यू दिखाता है। सेकंड, आप मल्टीपल कंडीशन के बेस पे वी लुकअप नहीं लगा सकते। तो यदि आपको मल्टीपल कंडीशन के बेस पे वी लुकअप लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो जितने भी आपके कंडीशन वाले फील्ड है उसको कॉन्किनेट कीजिए दोनों जगह, दोनों शीट में, देन उसके बाद फिर उस पर वी लुकअप लगाइए। क्लियर टू एवरीवन? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन आई होप सबको क्लियर होगा ये। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर। यस सर, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? हाँ, एक मिनट अपना वो चाहूंगा, मेरा लाइट कुछ पावर में इश्यू है, मैं दो मिनट, एक मिनट के लिए पावर कनेक्शन। यस सर, कोई इशू नहीं। सिद्धार्थ विजिबल है क्या स्क्रीन? सिद्धार्थ विजिबल है ना? मेरा लाइट कहीं इलेक्ट्रिसिटी फेल हुई है। क्लियर है सबको ये? ठीक है, अब इसके बाद वी लुकअप का एक और, अब इसका और एडवांस अपन बोलते हैं। अभी एक चीज आप ऑब्जर्व करना, यहां पे मैं सपोज ये इसको मैं डिलीट करता हूं, क्या करता हूं मैं इसको डिलीट करता हूं, तो यहां पे देखिए मेरा क्या हो गया, रिजल्ट चेंज हो गया। तो ये रिजल्ट चेंज ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ये एक और वी लुकअप का लिमिटेशन है। जब आप बहुत बड़े डेटा में काम करते हैं ना, तो क्या होता है कि आपका डेटा में कुछ चेंज होता है, कुछ मॉडिफिकेशन आता है, तो आपका रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो रिजल्ट चेंज होने की वजह से क्या होता है, आपका पूरा वर्किंग फेल हो जाता है। तो उसको मिटिगेट कैसे किया जाए, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन होता है, वी लुकअप और इंडेक्स का कंबाइंड यूज करते हैं, इंडेक्स मैच। वी लुकअप के साथ में दो फॉर्मूले और यूज होते हैं, इंडेक्स और मैच फॉर्मूले होते हैं, उसको अपन
साथ में यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे साथ में यूज करते हैं। ये एक फॉर्मूला क्या होता है, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स क्या होता है, कोई डेटा है, ये मेरा इनवॉइस नंबर है, उसमें यदि मुझे दूसरे नंबर पे कौन सा वैल्यू है यदि वो चाहिए तो मैं उसके लिए क्या लगाऊंगा, इंडेक्स। मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए इंडेक्स, इस पर्टिकुलर डेटा में थर्ड नंबर पे क्या है, कॉमा थ्री, और इसको मैं बंद करता हूँ। तो थर्ड नंबर में क्या है, कौन सा इनवॉइस नंबर है, दिस। यदि मुझे यहां पे इंडेक्स इंडेक्स इसमें मुझे कॉमा फोर्थ नंबर में क्या है, तो फोर्थ नंबर में कौन सा पार्टी आता है, ए पार्टी आता है। तो इंडेक्स से क्लियर हो रहा है, इंडेक्स से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर डेटा में इंडेक्स आपका बताता है कि कौन से नंबर में, फोर्थ नंबर में, सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर में आपका क्या डेटा है। उसका अपोजिट होता है मैच। मैच क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। मैं क्या करूंगा, मैच मैच ये वैल्यू इस पर्टिकुलर डेटा में कौन से नंबर में, कॉमा जीरो, ये कौन से नंबर पे, थर्ड नंबर पे। इस पे मैच लगाता हूं तो ये कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, करेक्ट है। ये कौन से नंबर पे, फर्स्ट है। तो आपको इंडेक्स क्या करता है, डेटा में इंडेक्स, आप इंडेक्स नंबर दीजिए, उस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है आपको बताएगा। मैच क्या करेगा, कोई पर्टिकुलर वैल्यू दीजिए, वो डेटा में कौन सा उसका इंडेक्सिंग है वो बताएगा। क्लियर है सबको, इंडेक्स और मैच, एवरीवन क्लियर, इंडेक्स और मैच क्लियर है, ठीक है। अब इसको वी लुकअप के कॉम्बिनेशन में कैसे यूज करते हैं मैं बताता हूँ आपको। वी लुकअप के कॉम्बिनेशन में कैसे यूज किया जाता है, मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ। वी लुकअप मेरे को क्या ढूंढना है, ये ढूंढना है, कॉमा कहाँ पे ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, ठीक है। कॉमा मेरे को कौन सा चाहिए, फिफ्थ वैल्यू चाहिए, वी लुकअप दिस कॉमा फाइव कॉमा जीरो। ये देखिए यहां पे मेरा ये वैल्यू आ रहा है, यहां पे ये वैल्यू आ गया यहां पे, करेक्ट है। अभी सपोज मेरा कुछ यहां पे डेटा कुछ चेंज होता है, फॉर सपोज मैं यहां पे टैक्स रेट लेता हूं, फिर से वी लुकअप लगाया, वी लुकअप कॉमा टैक्स रेट मेरा कौन से कॉलम में, चौथे कॉलम कॉमा फोर कॉमा जीरो, तो ये 5% टैक्स रेट वहां से मेरे को मिल गया। यहां पे मैंने क्या गलती किया, डॉलर नहीं लगाया, तो ये मेरे पास ये वहां से रेट मिल गया। अभी फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक रो ऐड कर देता हूं, कुछ यहां पे कैलकुलेशन कर, यहां पे देखते हैं मेरा पूरा जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि फिफ्थ नंबर पे क्या आ गया, अभी ये आ गया फोर्थ नंबर पे, मैंने एक दो तीन चार, फोर्थ नंबर में क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे जीरो। तो कभी भी आप यदि कोई दूसरी शीट में एड लेस करेंगे तो क्या होगा आपके साथ, आपका पूरा रेफरेंसिंग चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ पे मैच फंक्शन यूज करता हूँ। वी लुकअप के साथ क्या यूज करूंगा, मैं मैच यूज करूंगा। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं नॉर्मल वी लुकअप देख लगाता हूँ, दिस कॉमा कॉमा फोर कॉमा जीरो। अभी ये फोर यहां पे मैंने क्या किया,
डॉलर लगा। अभी देखिए यहाँ पे फोर के बदली, फोर नंबर पे फोर के बदली मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, मैच का फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैच लुकअप क्या करना है मेरे को, टेक्स लुकअप करना है, टेक्स रेट करना है तो टेक्स रेट लुकअप करना है, कॉमा कहाँ लुकअप करना है, यहाँ पे कॉमा जीरो, और यहाँ पे मैं फिर से डॉलर लगा देता हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे सपोज ऐड भी करूँगा, यदि ये रो को चेंज बढ़ाता हूँ तो भी मेरे यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगा, और मुझे अब डॉलर लगाना पड़ेगा। क्लियर है कि थोड़ा कुछ कंफ्यूजिंग हो रहा है इसमें, है ना, ये फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग है ही। मैं फिर से आपको, क्योंकि दो फॉर्मूला को अपने को मर्ज करना है, मैं सिंपल वी लुकअप लगाता हूँ, वी लुकअप दिस कॉमा पांच कॉमा जीरो, ये यहां तक सबको क्लियर होगा, ये तो सबको समझ आ गया। अब ये पांच जो मैंने मैन्युअली लिखा है यहां पे काउंट करके, वन टू थ्री फोर फाइव, ये मैंने मैन्युअली काउंट करके लिखा है। अब इसको मैन्युअली ना काउंट करके मैं क्या करता हूँ, मैच से कैलकुलेट करता हूँ। तो मैच क्या मैच करना है मेरे को, टैक्स मैच करना है, कॉमा कहाँ पे करना है, यहाँ पे कॉमा जीरो, ये पांच आ गया मेरा। ये पांच को मैं डायरेक्ट लिखने के बदली ड्राइव किया, तो मेरे को कॉलम काउंट ना करना पड़े और कॉलम में चेंज हो। अभी मेरे को यहाँ पे डॉलर लगाना पड़ेगा, तो F1 तो मेरा हमेशा क्या होगा, फ्रीज होगा, और ये B1 से F1 भी क्या है मेरा, फ्रीज है। तो ये अब ये पांच के बदले मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूले को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और ये फाइव के बदले यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरा रिजल्ट, अभी नॉर्मल वी लुकअप भी लगाता हूं मैं, ये ओनली वी लुकअप है, वी लुकअप विथ एमएच, ये ओनली नॉर्मल वी लुकअप है, ये वी लुकअप मैच के साथ लगाया है। अभी मैं सपोज यहां पे दो रो इंसर्ट करता हूं, सपोज यहां मेरे को कुछ और आईजीएसटी या फिर कुछ और कॉलम मैंने यहां पे इंसर्ट किए कुछ वर्किंग के लिए फॉर एग्जांपल। तो अब देखिए ये रहा मेरा ओनली वी लुकअप का वैल्यू चेंज हो गया, ये जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्या देखना था, पांचवा नंबर देखना था, और पांचवा नंबर एक दो तीन चार पांच, पांच में क्या है, ब्लैंक है, लेकिन मैं मैच के साथ लगा रहा हूं तो वो चेंज नहीं हुआ। मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा मेरा चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे फाइव मैनुअली लिखा था, यहाँ पे मैच में मैंने कैसे किया था, पांच को ड्राइव किया था। तो मैच का फॉर्मूला एक बार फिर से देखते हैं, मैच क्या देखना है, टेक्स्ट देखना है, कहां पे देखना है, यहां पे देखना है, कॉमा जीरो ब्रैकेट क्लोज, ये देखिए आठवें नंबर पे। तो यहां पे वी लुकअप जब मैच के साथ लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक वो, इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा, सॉरी वो है ही नहीं। क्लियर है आपको सबको ये, कि मैच और वी लुकअप का क्या साथ में फर्क पड़ता है।
सिद्धार्थ Yes, sir. बाकी लोग क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे भी पता है कि ये मतलब रेयरली यूज होता है जब बड़े डेटा में लोग काम करते बड़े डेटा में जब काम होता है तब ये बहुत प्रॉब्लम आती है. नॉर्मल यदि आप कम डेटा में काम कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम नहीं आती. एवरीवन क्लियर? ठीक है, चार पांच लोगों का मैसेज आया, सबको क्लियर. तो वी लुकअप और मैच का कैसे यूज है आपको समझ आया? अब एक और वी लुकअप का मैंने लिमिटेशन बताया था. क्या लिमिटेशन है वी लुकअप का? वी लुकअप का क्या लिमिटेशन है कि लेफ्ट का डेटा नहीं लेता और मेरे पास लेफ्ट का डेटा मुझे लेना है. करेक्ट है? मेरे को इनवॉइस नंबर के बेस पे क्या चाहिए? इनवॉइस डेट चाहिए. क्या चाहिए इनवॉइस नंबर के बेस पे? इनवॉइस डेट चाहिए. तो वी लुकअप से नहीं आएगा. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा. क्या करूंगा? इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन यूज करूंगा. तो यहां पे मैं ये इसको हटा दूं तो ये मेरा इंडेक्स ये इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन मैं यहां पे यूज करता हूं. ठीक है, तो पहले मैं दोनों को अलग अलग लगाता हूं, इंडेक्स और मैच को. मैच इंडेक्स मैच क्या मैच करना है मुझे? ये मैच करना है. बराबर कहां पे मैच करना है? यहां पे करना है कॉमा जीरो. तो ये वहां पे कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे. ठीक है, ये मेरा हमेशा फ्रीज रहेगा. B2 से B10 को मेरे को चेंज नहीं करना है. B2 से B10 यही डेटा एरिया है मेरा. तो यहां पे मैं क्या करूंगा? डॉलर लगा दिया मैंने यहां पे. तो ये कौन से पोजीशन पे है? सेकेंड नंबर इनवॉइस कौन से पोजीशन पे? तो सभी के मुझे वहां पे क्या पता चल गई? पोजीशन पता चल गई. अब मैं यहां पे इंडेक्स लगाता हूं. इंडेक्स कहां पे देखना है मुझे? तो इसका कॉमा दिस कॉमा जीरो. अभी मेरे का डॉलर कहां लगेगा? A2 से A10 मेरा फ्रीज होगा, वो फिक्स है. और ये मेरा चेंज होगा, इसको मैंने डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं. ये देखिए, ये मेरे को क्या मिल गया? यहां से डेट मिल गया. तो अभी इसको मैं कंबाइन लगाता हूं. तो यहां कंबाइन लगाने के बदले इसके बदले मैं यहां का ये अब कंबाइन लगाता हूं. तो इंडेक्स कंबाइन लगाने के लिए मैं क्या करूंगा? ये वन के बदले यहां का फॉर्मूला कॉपी करके मैंने क्या किया? इसको कॉपी किया और ये तो ये इंडेक्स और मैच से मेरे को क्या मिल गया? विदाउट वी लुकअप लगाए हुए मैंने क्या ले लिया वहां पे? वैल्यू ले लिया. इंडेक्स कहां पे देखना है मेरे को? यहां पे इसका, ठीक है, कॉमा कौन सा नंबर? पहला नंबर कॉमा जीरो. और मेरा A2 से A10 जो है वो एब्सोल्यूट डिफरेंस में कन्वर्ट किया मैंने. इसको ड्रॉप डाउन किया और इसको मैंने शॉर्टेड किया. तो ये देखिए, वी लुकअप से भी ले लिया मैंने और इंडेक्स मैच से भी ले लिया. क्लियर है सबको? ये समझ आया क्या हुआ? ये बिना वी लुकअप लगाए हुए मैंने क्या कर दिया? वहां पे वैल्यू ड्राइव किया और लेफ्ट साइड का. और इसका भी प्लस पॉइंट यह क्या है? क्लियर नहीं है सर. ठीक है, एक मैसेज आया क्लियर नहीं हुआ, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं. बाकी लोग जल्दी जल्दी बताएं कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. एक और क्लियर हुआ और बाकी
करेक्ट निकिता और यस करेक्ट, कुछ कुछ लोगों को क्लियर है, कुछ कुछ को डाउट है, और किसी को डाउट है इसमें इंडेक्स मैच कंबाइन करके? एक डाउट, ठीक है, ये इंडेक्स मैच वाला शीट हो गया है। ये शीट मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप ये फॉर्मूले को ना देख देख के आप क्या यूज कर सको। ये अपना VLOOKUP कंप्लीट होता है। मैक्सिमम VLOOKUP में जो अपन कर सकते थे कर लिए पूरा कंप्लीट। अब VLOOKUP से आगे बढ़ते हैं, अपन इंडेक्स और मैच का एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अपन ये सपोज डेटा वैलिडेशन नाम एक अब नया चीज सीखते हैं अपन। डेटा वैलिडेशन नाम से क्या समझ आ रहा है? डेटा को वैलिडेट करना। डेटा वैलिडेशन करेक्ट है। तो सपोज कोई मैं यूजर्स है उसको मैं डॉप कुछ काम करने के लिए देता हूं और वो चाहता हूं कि उसमें ना करेक्टली डेटा इंसर्ट करें। सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा कैलकुलेटर बना, सिटी का नाम दिया मैंने यहां पे, तो यहां पे बिलास स्टेट देता हूँ, सॉरी स्टेट। यहां पे सपोज कोई यूजर है उसको स्टेट इंसर्ट करना है, तो क्या हो सकता है? कोई महाराष्ट्र, कोई छत्तीसगढ़ पूरा लिखेगा, कोई सीजी लिखेगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें ना ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए, उसको जो लिस्ट है वही सेलेक्ट करें, जैसे सीजी लिखे, एमएच लिखे, एमपी लिखे, एपी लिखे, करेक्ट। तो ये मैं चाहता हूँ इसमें अपने हिसाब से वैल्यू ना जो ड्रॉप डाउन आए वही उसमें भर पाए, तो इसको क्या करते हैं, इसके लिए डेटा वैलिडेशन बोलते हैं। तो मेरे को यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना है, तो डेटा पे जाना है सबसे पहले। कहाँ पे गए? डेटा, उसके अंदर डेटा वैलिडेशन, उसके अंदर अलाउ एनी वैल्यू के बदले क्या करना है मेरे को? लिस्ट। और कौन सी लिस्ट? ये लिस्ट। अब देखिए यहाँ पे ये लिस्ट आ गया, यदि मैं कुछ और डालूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या आएगा? एरर आएगा। तो डेटा वैलिडेशन क्लियर है आपको क्या होता है? कभी मैं यूजर कुछ कुछ फॉर्म फिल करने देता हूँ, उसमें चाहता हूँ कि वो प्री डिफाइंड डेटा को ही इंसर्ट करे, उसके अलावा कुछ ना करे, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ? मैं डेटा वैलिडेशन यूज करता हूँ, करेक्ट। अब डेटा वैलिडेशन कहाँ पे आता है? फिर से एक बार लगाता हूँ मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, देन एनी वैल्यू के बदले मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे? लिस्ट चाहिए। और लिस्ट का सोर्स क्या है मेरा? ये सोर्स में जो लिखा हुआ है वो। उसके बाद इनपुट मैसेज, यहाँ पे मैं मैसेज दे सकता हूँ। क्या मैसेज दे सकता हूँ? प्लीज इंटर स्टेट नेम, करेक्ट। एरर अलर्ट, एरर अलर्ट में दो तीन का, मैं उसको वार्निंग भी दे सकता हूँ, स्टॉप भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ स्टॉप करें, और यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लीज फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट ओनली, ओके। ये मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया। अभी देखिए यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कि क्या करना है, तो स्टेट का नाम दिखना है, तो मैं पूरा लिखने जाता हूँ यहाँ पे एरर आ रहा है। यहाँ क्या बोल रहा है? एरर, प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट ओनली। तो मेरे को ड्रॉप डाउन में से छत्तीसगढ़ करना पड़ेगा। क्लियर है सबको ये? सिद्धार्थ क्लियर? बाकी सब क्लियर? बाकी सब लोगों का भी मैसेज कर दो मेरे को जल्दी जल्दी, क्लियर है तो मैं इसको आगे बढ़ूं।
करेक्ट। अब एक स्टूडेंट का फॉर्म बनाते हैं, एक स्टूडेंट का फॉर्म बनाना है तो उसमें सबसे पहले हो गया नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये मैंने एक सपोज एक फॉर्म बनाया है, करेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को नेम करना है तो यहाँ पे भी मैं डेटा वैलिडेशन डाल सकता हूँ। डेटा में क्या वैलिडेशन डाल सकता हूँ, यहाँ पे डेटा, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे एनी वैल्यू के बदले में क्या करूँगा, यहाँ पे टेक्स्ट कि भाई कितना डिजिट, कितना टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट है। डेट ऑफ बर्थ में मैं यहाँ पे क्या डेटा वैलिडेशन डाल सकता हूँ कि वो डेट होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं डेट, और उसका यहाँ पे मैं क्राइटेरिया भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, और क्राइटेरिया कर देता हूँ ग्रेटर देन 0101900, ओके करता हूँ। तो यहाँ पे यदि आज का डेट डालूंगा तो ले लेगा, यदि मैं कुछ और लिखने जाऊंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डेट ही डालना है। सपोज मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर मेरे को डालना है, तो यहाँ पे क्या है, मोबाइल नंबर के अलावा यदि मैं कुछ और डालता हूँ तो वो नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या वैलिडेशन रखूँगा, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू के बदले यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, होल नंबर चाहिए, और बिटवीन कितना चाहिए, तो 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे जैसे मेरा मोबाइल नंबर लिखता हूँ तो नहीं ले रहा, क्यों, क्योंकि 11 डिजिट हो गया, मेरे को इसको करेक्ट लिखना पड़ेगा, ये देखिए ये करेक्ट आ गया। यदि मैं इसमें और कुछ भी लिखूंगा तो नहीं लेगा, यदि करेक्ट मोबाइल नंबर लूंगा तो ही लेगा। तो डेटा वैलिडेशन आप लिस्ट भी दिखा सकते हो, आप उसमें पर्टिकुलर क्राइटेरिया भी डाल सकते हो कि उसमें कोई लिस्ट से ही आना चाहिए या फिर उसमें न्यूमेरिक ही होना चाहिए या डेट होना चाहिए, डेट भी इससे ज़्यादा या इससे कम, आप उसमें क्राइटेरिया डाल सकते हो। तो डेटा वैलिडेशन जब कोई यूज़र फॉर्म बनाते हैं, जब किसी को फॉर्म देना है कि भाई वो सबमिट करके दे, तो वहाँ पर क्या होता है, डेटा वैलिडेशन काम आता है, करेक्ट, क्लियर सबको, वहाँ पर डेटा वैलिडेशन काम आएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये डेटा वैलिडेशन हो गया। अब एक कैलकुलेटर बनाते हैं छोटा सा, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाते हैं इंडेक्स और मैच को साथ में करके और डेटा वैलिडेशन को साथ में यूज करके। एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूं मैं, ये सपोज एक मेरे पास टेबल है जिसमें अलग अलग आईफोन के मॉडल्स लिखे हुए हैं और उसका जीबी के हिसाब से मेरा रेट लिखा हुआ है, करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे मैं डेटा वैलिडेशन डाला, एनी बदली बदली लिस्ट किया, एंड दिस लिस्ट, ये लिस्ट है,
और यहाँ पे मैं एक और डेटा वैलिडेशन डालता हूँ, एनी वैल्यू के बदले यहाँ पे भी लिस्ट किया और इसका सोर्स मैंने किया ये। अब देखिए यहाँ पे एक्स आया, ये जी बी आया, करेक्ट है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे रेट चाहिए, यहाँ पे मैं मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे रेट चाहिए, क्या चाहिए रेट चाहिए। यदि मैं आईफोन एक्स सेलेक्ट करूँ यहाँ पे और यहाँ पे जीबी सेलेक्ट करूँ तो मैं यहाँ पे रेट क्या आ जाना चाहिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे रेट आ जाना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे अपन, उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, इंडेक्स मैच और वी लुकअप। तो ये बताएगा कैसे कर सकते हैं, अपन जो सीखे हैं उससे कर सकते हैं, कोई बताएगा क्या उसका क्या सलूशन हो सकता है, कैसे किया जा सकता है वो। कोई भी, बहुत सारे लोग हैं लाइव, किसी कोई सिद्धार्थ पंकज बहुत लोग लाइव हैं, क्या किया जा सकता है इसके लिए, कैसे किया जा सकता है। ठीक है मैं बताता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं वी लुकअप लगाऊंगा, ये लुकअप करूँगा, तो डेटा का थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये देखो आईफोन एक्स आर एक्स 256 GB, एक मिनट में फॉर्मूला, ये मेरा ये देखें, ये फॉर्मूला इंडेक्स और मैच का मैं यूज़ करके यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला बना सकता हूँ। इसमें क्या किया मैंने, 64 को सर्च किया है और इंस्टेंट ऑफ उसका 1, 2, 3, 4 देने के बदले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैच यूज़ किया, सेम फॉर्मूला जो अपन ने यहाँ पे यूज़ किया था ना, यही सेम फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ हुआ है डेटा वैलिडेशन के साथ। तो ऐसा करके आप एक छोटा सा कैलकुलेटर भी बना सकते हैं। क्लियर है सबको,
वो फॉर्मूला देखने से और समझ आ जाएगा, वो शीट मैं शेयर कर दूंगा। और किसी को यदि आज के से वीलुकअप से यदि कोई डाउट है तो, क्योंकि 10 मिनट का सेशन बचा है, 5 मिनट है हार्डली, यदि कुछ डाउट है या आज के टॉपिक से तो कोई पूछ सकता है मेरे से, नहीं तो फिर आज सिद्धार्थ आपके पास कोई डाउट आया है या फिर किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो अपन आज के लिए सेशन को क्लोज करते हैं। निकिता का एक क्वेश्चन है लेकिन उसका क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर मल्टीपल सेल पे अप्लाई करना हो तो पे स्पेशल से वैलिडेट कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है निकिता, आप क्या पूछना चाह रहे हो क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को। कोई डाउट तो पंकज, किसी का डाउट यदि आ रहा हो तो आप मेरे को भेज सकते हो, अभी तक तो कोई डाउट नहीं, एक डाउट आया है वो तो क्लियर नहीं है कि वो क्या पूछने जा रहे हैं, यदि और कुछ भी आज के रिलेटेड यदि डाउट हो तो आप मेरे को शेयर कर सकते हो। Yo, voice is clear. Thank you so much for such an amazing sharing of information. It is our pleasure that we have gotten such an experienced and renowned speaker, CA Kapil Sahdev sir, for teaching in MS Excel. We have learned many new things from it. I am really thankful to CA Kapil Sahdev sir that he has given such a valuable time to us that we have learned so much in today's seminar. I Aloki Goyal, Secretary of Sikasa Bilaspur branch, really thankful from my heart to CA Kapil Sahdev sir. I also thank Sikasa Bhilai chairman CA Sanjay Khandwe sir for giving his valuable time and make our webinar successful. And last, I also thank our Sikasa chairman, Bilaspur chairman, CA Sachin Kumar Jain sir, for to initiate an idea of webinar by Sikasa Bilaspur branch so that there will be a new learning in this opportunity of lockdown. So I really thank you so much, sir. At last, I want to thank all the viewers here who have seen the webinar continuously for 2 hours, approximately 2 hours. And given so much support to our speaker by live interaction session through live chat box. So I also thank all the viewers there. Thank you so much. And please, all the viewers, please like this webinar and also share it to other students and members so that this can be very informative for others also. At last, I hand over it to Pankaj. Pankaj. Hello.